हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लावा अग्नि 2 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड का, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज आपको नीचे आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ये डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का पेज ओपन होगा, इस पेज को आपको नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको सबसे ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा नोन का, नोन पे सेलेक्ट करना है। नोन के सामने सर्कल पे टिक मार्क लग जाएगा, इसके बाद आपको नीचे इसे ओके कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है नोटिफिकेशन साउंड के नीचे आपका नोन लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग आपकी डिसेबल हो जाएगी। अब ये नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपके मोबाइल फोन से कोई भी साउंड की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको ये नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है नोटिफिकेशन साउंड, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा नोटिफिकेशन साउंड का, ये वाला। यहाँ पर आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे सेलेक्ट करिए। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है और इसे हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।